शारदीय नवरात्र और दशहरा पर्व को देखते हुए जनपद कार्यालय में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी विभाग और जनप्रतिनिधि व सभी धर्मों के लोग मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि मंदिर प्रांगण में 50 से ज्यादा भक्तों को एकत्रित नहीं किया जाएगा, प्रांगण में हवन मुंडन पूर्णतः वर्जित रहेंगे। तो वहीं कलेक्टर ने सभी से अपील करते हुए कहा कि त्योहार को शांति और सौहार्द के साथ मनाएं। विसर्जन के दौरान 10 लोग ही जा पाएंगे और दशहरा के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बैठक में मूलतः भीड़ कम करने के निर्णय लिए गए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से यह रहेगा कि किसी भी दुर्गा उत्सव समिति द्वारा जो विसर्जन के लिए जुलूस निकाला जाएगा उसमें 10 लोगों से ज़्यादा नहीं रहेंगे और वो 10 लोग भी अनुमति प्राप्त करेंगे SDM से। इसी प्रकार बिरासनी मंदिर, जो श्रद्धा का केंद्र है सभी के, वहाँ पर एक बार में 50 व्यक्ति दर्शन के लिए भेजे जाएंगे और इस तरह से सुगमता से सभी का दर्शन सुलभ कराया जाएगा, जिससे कि मंदिर में भीड़ उत्पन्न ना हो। दशहरा आयोजन के लिए भी अनुमति प्राप्त करनी होगी और दशहरा आयोजन में भी भीड़ की संख्या नियंत्रित की जाएगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। भंडारा का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।